तो हेलो गाइस, तो ये पार्ट होने वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्योंकि इस एपिसोड में लियांजी की फाइट होने वाली है गॉड से, इसलिए आपको मजा तो भर भर के आने वाला है। पर आप लोगों में से बहुत सारे लोग लाइक एंड सब्सक्राइब तो करते ही नहीं है, मेरा चैनल अभी ग्रो नहीं हुआ है, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो कम्प्लीट करवा ही दीजिए। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लियांजी को जो कि किसी जंगल में से जा रहा होता है कि तभी उसके पीछे एक और बंदा पड़ा हुआ था जिसने कि ब्लैक मुखौटा लगा हुआ था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लियांजी जो कि समझ जाता है कि शायद उसका पीछा कोई कर रहा है, इसलिए हम देखते हैं कि भाई जैसे ही आगे जाता है भाई आगे जाकर छुप जाता है कि तभी वह बंदा भी आ जाता है। इसे देखकर वह सोचने लगता है कि लियांजी कौन से रास्ते से गया होगा, इस वाले से कि इस वाले से, क्योंकि उसके सामने दो रास्ते आ चुके थे। कि तभी पीछे से हम देखते हैं कि लियांजी अपनी पावर का यूज करके उस बंदे पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वह बंदा बहुत ही ज्यादा अपने आप को डिफेंस करने के लिए एक शील्ड को ओपन कर लेता है। साथ में दिखाया जाता है लियांजी दूर हट चुका हुआ होता है और भाई कहने लगता है तुम कौन हो। तो हम देखते हैं कि भाई बंदा अपना मुखौटा उठाता है और ये वही बंदा है जो कि पिछले एपिसोड में एलन ने कहा था कि तुम्हें लियांजी का साथ देना है और उसके साथ से एक आर्मर भी गिफ्ट किया हुआ होता है। और हम देखते हैं कि उस बंदे ने भाई आर्मर पहना भी हुआ था। कि तभी वह बंदा कहने लगता है मैं तो आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ क्योंकि एल्डन ने मुझे भेजा है, क्योंकि आपकी जान के साथ मेरी भी जान जुड़ी हुई है, अगर आप मर जाएंगे तो मैं भी मर जाऊंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लियांजी कहने लगता है कि मुझे कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ चले जाओ। और हम देखते हैं कि वह बंदा नहीं मानता और वह लियांजी के पैरों में गड़गड़ाने लगता है। यह देखकर लियांजी कहने लगता है कि अरे यार चले जाओ ना, पर हम देखते हैं बच जाता नहीं है। तो जो वह बंदा होता है वह कहने लगता है कि मैं तो आपके साथ चलूंगा कुछ भी कर लो। तो हम देखते हैं लियांजी उसे कहने लगता है तुम अपना ये ब्लैक सूट उतारो। तो हम देखते हैं कि भाई ऐसा ही करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि भाई बंदा भाई आर्मर पहना हुआ होता है जो कि पिछले एपिसोड में एलन ने दिया हुआ था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लियांजी कहने लगता है कि ये आर्मर किसने दिया है। तो वह बंदा सारी बात लियांजी को बता देता है कि ये एलन ने मुझे दिया था और कहा था कि आपके साथ ही रहना है मुझे। और हम देखते हैं लियांजी सोचने लगता है मन में ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और साथ में हम देखते हैं कि भाई अपनी पावर का यूज करके उस आर्मर को जैसे ही चेक करता है उसको दिखाई देता है कि उस आर्मर में एक टेक्निक हुई है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और वह अपनी पावर का यूज करके उस टेक्निक को बाहर निकालता है। और साथ में मन में सोचने लगता है कि अगर मैंने इस टेक्निक को सीख लिया तो मुझे गॉड से फाइट करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। इसलिए हम देखते हैं कि भाई कहने लगता है कि क्या मैं इस टेक्निक को सीख सकता हूँ। तो हम देखते हैं कि भाई बंदा कहने लगता है कि मास्टर मैं तो आपका ही चेला हूँ और मेरी हर चीज आपकी है। हमें दिखाया जाता है कि भाई दोनों एक साथ बैठकर उस टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है लियांजी अपनी पावर का यूज करके और साथ में वह बंदा भी वह टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है लियांजी जो कि उस टेक्निक को परफॉर्म कर चुका हुआ होता है और पूरी टेक्निक को सीख चुका था, जबकि वह बंदा अभी तक कल्टीवेट कर रहा होता है। कि तभी हम देखते हैं कि लियांजी उस आर्मर की पावर को चेक करने के लिए अपनी पावर का यूज करके पावर बहुत सारी शॉट्स ले आता है और उनका यूज करके उस आर्मर पर फेंक देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बस सीधा ही जाकर उस बंदे को लगने वाली होती है पर बंदा बच चुका हुआ होता है। और यह देखकर वह कहने लगता है कि मास्टर आप ये क्या कर रहे थे। तो हम देखते हैं लियांजी से कहने लगता है मैं तो तुम्हारे आर्मर की पावर को चेक कर रहा था। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है लियांजी और वह बंदा एक जगह पर आ चुका हुआ था जो कि और कोई नहीं बल्कि टोमेटो सिटी थी। हाँ टोमेटो सिटी, मैंने भी 3-4 बार चेक करके देख लिया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे एल्डर्स होते हैं जो कि कहने लगते हैं कि आपका स्वागत है। और साथ में वह बंदा कहने लगता है कि आपको कैसे पता कि लियांजी यहाँ पर आने वाला है। तो हम देखते हैं भाई बंदा कहने लगता है कि लियांजी ने मुझे पहले से ही ये बात बता दी थी कि भाई गारंटी से यहाँ पर आएगा और मैं कभी कभी लियांजी और कभी कभी लियांजी बोल देता हूँ क्योंकि मैं इसमें कन्फ्यूज हूँ। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि लियांजी बोलो, जबकि मेरी आदत है लियांजी बोलने की, इसलिए थोड़ा मैनेज कर लेना, दोनों नाम एक ही है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भाई एंडर कहने लगता है कि आप यहाँ पर आ चुके हैं और आप मेरी टोमेटो सिटी को बचाने के लिए मेरी हेल्प करेंगे। इस बात को सुनकर लियांजी कहने लगता है कि हाँ मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लियांजी अपनी पावर का यूज करके वहाँ पर बहुत सारे डीमंस ले आता है जो कि डीमंस नहीं बल्कि उसके चमचे थे जिन्हें कि लियांजी ने अपनी पावर का यूज करके उन्हें कैद कर रखा हुआ था। साथ में वह कैद भी नहीं कह सकते, वो उसके फ्रेंड ही थे। और हम देखते हैं कि भाई डीमंस आते ही लियांजी को ग्रीट करते हैं और कहने लगते हैं कि मास्टर आपको क्या करना है, मतलब मुझे आदेश दीजिए मैं क्या कर सकता हूँ आपकी हेल्प। तो हम देखते हैं कि जो पिछले बार बंदा होता है इतने सारे डीमन दोस्तों को देखकर तो वो तो बेहोश हो चुका था और कहने लगता है कि मास्टर आपके पास इतने सारे हैं क्योंकि वो शौक हो चुका था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लियांजी मनुष्य लगता है कि मैं टोमेटो सिटी को बचाने के लिए
कुछ भी कर सकता हूँ, पर इससे पहले मुझे गॉड से फाइट करनी है। और उसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है उसी हॉल में, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक हेलर उसके साथ ध्यान से बैठा हुआ था, सादा वही बंदा होता है। इसके बाद हम दिखाया जाता है भाई आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर भाई हेलर टमेटो सिटी का एक सम्राट रह चुका है, यानी कि भाई यहाँ का किंग था। और वह कहने लगता है कि मैं जब राजा था, यानी कि जब मैं यंग एज में था, तो मैं टमेटो सिटी के साथ साथ 7 कॉन्टिनेंट पर अपना राज जमा लिया था, और अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर मुझे कोई एंसेस्टर नहीं मिला है जो कि मेरे इस टमेटो सिटी को संभाल सके। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम टमेटो सिटी को आज़ाद करवाओ, और ऐसे करने में तुम कामयाब हो जाते हो। ये 7 कॉन्टिनेंट तो मेरे हाथ में नहीं है अब, और टमेटो सिटी तुम्हारी हो जाएगी। इस बात को सुनकर तियान जी कहने लगता है कि मुझे इसको नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। और इस बात को सुनकर बंद कहने लगता है मन में, अगर मैं होता तो मैं तो एक्सेप्ट कर लेता। साथ में हम देखते हैं कि तियान जी उससे कहने लगता है कि मैंने सुना है आपके पास कुछ टेक्निक है, इनकी पावर का यूज करके आप मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। इस बात को सुनकर वह बंदा कहने लगता है कि हाँ, मेरे पास एक टेक्निक है जिसका नाम होली ब्लड सेक्ट है। उस बात को नाम सुनकर ध्यान जी कहने लगता है कि ये मुझे आप सिखा सकते हैं। तो हम देखते हैं वह बंदा कहने लगता है कि अपन टेक्निक केवल ऐसी स्थिति में सीखी जा सकती है जब आदमी का खून पूरी तरह से खोल चुका हो। इसलिए हम देखते हैं कि वह बंदा यानी कि वह एल्डर ध्यान जी पर अटैक कर देता है, और टेक्निक पर सीधा ही इसको बहुत ज्यादा मारता है। इस तरह हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर एक आंटी फल लेकर जा रही होती है, पर बदल जाती हैं क्योंकि उस कमरे में से बहुत ज़्यादा फाइट की आवाज़ आ रही होती है। इसलिए हम देखते हैं कि बैटर के मारे वहाँ से भाग चुकी थी। फिर हमें दिखाया जाता है तियान जी को, बैटर मार मार के बिल्कुल काला कर देता है, आपको सकते उसकी हालत पतली कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बैटर कहने लगता है कि अब थोड़ी देर बाद तुम्हारी टेक्निक सीखने के लिए तुम काबिल हो जाओगे, क्योंकि यह ऐसी स्थिति में सीख जा सकती है जब तुम्हारा खून खोल चुका हो और तुम पूरी तरह से पिट चुके हो। और होता भी कुछ ऐसा ही है, ध्यान जी के अंदर वह टेक्निक आने लगती है क्योंकि वह एल्डर उसे सुखा रहा होता है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है ध्यान जी एक जगह पर आ चुका हुआ होता है, जहाँ पर उसकी गॉड्स के साथ फाइट होने वाली है, और उसी के साथ हमारा ये पार्ट एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, कर देना यार, क्योंकि मैं आपके लिए हर पार्ट लेकर आता रहता हूँ, और एक पार्ट बनाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है।